बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। शाह जंजानी जंजानी टीवी से आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। प्रोग्राम आज टुडे कबूली दुआ का वक्त। परवरदिगार का हुक्म है हमें इरशाद बारी तआला के, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएँ सुनता हूँ और दुआएँ कबूल करता हूँ और मैं हाज़िर और नाज़िर हूँ। जब भी दुआ की जाए, आम वक्त में या ताजत में या शब के वक्त या नमाज के बाद, तो इस यकीन कामल से दुआ करें कि परवरदिगार की ज़ात हाजिर है, नाजर है, हमें देख रही है, हमें सुन रही है। और इस यकीन से दुआ करें तो दुआ करने का लुत्फ़ भी आता है और दुआएं भी मुस्तजाब होती हैं। दुआओं की यकीनी कबूलियत के लिए आप जो भी दुआ करें उसके अव्वल आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा दोषी पढ़ें। ये भी बहुत ही मुजरब किस्म के अमाल हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की साजन हासिल करता हूँ। आज जुमे का दिन है, सैयदुल यौम जुमातुल मुबारक है। और जुमे का दिन जब भी आता है मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास होता है। मासूम इनके इरशाद होते हैं कि जब अजान जुमा होती है ये वक्त कबूलियत दुआ का वक्त है, और मौलाना साहब जब जुमे का खुतबा देकर थोड़ी देर के लिए वक्फा करते हैं तो ये वक्त भी कबूलियत दुआ का माना जाता है। और तीसरा वक्त जब मौलाना साहब जुमे की अजान, जुमे की यानी सब बंदी हो रही होती है जब तक वो अल्लाह अकबर रखें, सब बंदी और नीयत जब तक ना बांधे, तो ये चंद लबाद भी कबूलियत दुआ का वक्त हैं। मैंने जो वक्त निकालने के लिए सआदत हासिल की है, ये पहला वक्त है मेरे नज़दीक 4:08 से लेके 4:38 का सुबह का वक्त है। और दूसरा वक्त जो है ये 11:07 से लेके 11:38 का वक्त है। इसके करीब ही इंशाल्लाह जुमे की अजान भी हो जाएगी। और उसके बाद तीसरा जो वक्त मैंने निकाला है ये अजान मगरब का वक्त है। अजान मगरब सुने और जो जितना टाइम, क्योंकि ये बड़ी जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है, इफ्तारी जो लोग हमारे रोज़ा रखते हैं जनाब, वो फटाफट रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं ताकि वक्त निकल ना जाए। तो बहरहाल ये वक्त कुछ तकरीबन ये भी इंडस्ट्री घंटे का वक्त है, तो आप इसमें भी दुआएं कर सकते हैं। आज खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने ये 6 अवकात जाने, और ख़ास तौर पर ये जुमे की अजान, जुमे की जनाब खुतबा और जुमे की नमाज से कबल की गई दुआएँ बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होती हैं। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें क्योंकि मलाइका का ग्रोह हाजिर होता है और उनके हाथ में सोने के कलम, सोने के चांदी और तलाई कलम, नकलाई पेपर होते हैं, वो दुरूद पाक का सिर्फ उस दिन अजर व सवाब लिखते हैं। इस दिन की नस्बत जो है वक्त इमाम जुमाना से है। और मसाजिद के अंदर बाहर मसाकीन होते हैं, उनकी मदद करें। और फिर कोई ऐसे ही बच्चियाँ तलाश करें जिनकी शादी हो रही हो, तो उनकी शादी में जो भी आप हेल्प हो सकती है आप करें, खाने में हेल्प करें, उनके कपड़ों में हेल्प करें, अल्लाह पाक आसानी अदा करेगा। लाहौर में एक ऐसा इदारा है जो जो मुस्तक बच्चे बच्ची हैं जिनके पास शादी के जोड़े नहीं होते, दुल्हन के लिए वो पहनने का लिबास नहीं होता, तो उन्हें जनाब वो लिबास भी मुहैया करते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के, और दूल्हा दुल्हन वो लिबास, कीमती लिबास पहन के अपनी शादी अटेंड कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सोचते हैं और कुल आपके लिए कार खैर करते हैं। और आपको भी चाहिए कि एक आखिरी शेर पढ़ के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरी सुबह हो तेरे नाम से और मेरी शाम हो एक अच्छे काम से। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आज के लिए इतनी शादी जारी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।